सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स इजीली डिसाइड कर पाए कि उस गाड़ी को खरीदे या नहीं, उस पर पैसा लगाए या नहीं, क्योंकि गाड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। 5-7 लाख रुपए तो कम से कम लगते ही हैं, तो वो लगाने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं सामने खड़ी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। ओनर हमारे साथ मौजूद है जिनका हम चैनल में स्वागत करते हैं। तो प्रशांत कुमार जी, स्वागत करते हैं आपका चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू। तो प्रशांत जी वकालत कर चुके हैं और आजकल अच्छा खासा पानीपत में बिजनेस कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन आदमी होने के नाते ये सारी बात सटीकता से और समझदारी से बताएंगे, एक एक जवाब उम्मीद हम यही करते हैं जी सर। तो प्रशांत जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, ठीक है, इनकी खुद की इतनी सारी गाड़ियां हैं, वैगनर है इसी बजट में, सिलेरियो है, ह्युंडई की i10 है और रिनोल्ट की क्विड भी है, ऐसी बहुत सारी गाड़ी 5-7 लाख में तो अंधाधुन गाड़ी है, तो उसमें इसका डिसीजन कैसे बना मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का, पहले तो मुझे ये जानना है। नहीं सर, मैं बताता हूँ। सबसे बढ़िया एक तो हमें स्टार्टिंग में ये बात देखनी थी गाड़ी में कि हमें ऑटोमेटिक गाड़ी की नीड थी। ओके। सबसे बड़ी बात थी जो हुँ। तो इसलिए हमारी सबसे जो निगाह टिकी वो एस्प्रेसो के लिए। ओके। ऑटोमेटिक रेडी थे। ठीक है, तो ये एस्प्रेसो का ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, VXi+। VXi+ यानी कि एस्प्रेसो का कहीं ना कहीं ये टॉप वेरिएंट मान सकते हो आप। ठीक है जी, तो मुझे लगता है ये लगभग 6.5 लाख रुपए की पड़ती है। हाँ, 6.5-6.75 के अराउंड है ना जी। तो 6.5 लाख रुपए भाई ने अच्छे से लगा दिए। हाँ जी, हाँ जी। तो 6.5 लाख लगाने के बाद वो वसूल हुए क्या नहीं इसके इंजन की परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिटी के अंदर मैं ये मानता हूँ ऑटोमेटिक वेरियंट है, काफी फ्रेंडली है। ठीक है, दोनों एक्सपीरियंस शेयर करो, पहले तो सिटी में इसकी इंजन परफॉर्मेंस कैसी है। पारस जी, सिटी में अगर आप बात करो तो सिटी में ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो इसका इंजन एकदम हमें परफेक्ट लगा, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। ओके, टिल डेट नाउ। टिल, ठीक है। और बाहर जब चलती है हाईवे पे तो जैसे आप ओवरटेक वगैरह करते हो गाड़ी को, उसमें इसकी वो स्पीड नहीं बन पाती। ठीक है, जो लोकल रहती है ना पिकअप, उसमें वो हाईवे पे कंपैरिजन टू लोकल वो कमी आ जाती है। कमी आ जाती है जी जी जी। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक सिटी फ्रेंडली बहुत अच्छी है गाड़ी है। लोकल हाईवे पे कहीं ना कहीं माइंड मैप बना के इसको चलाना पड़ता है। ठीक है जी। और अगर बात करें माइलेज की, माइलेज किंग है मारुति, कहते हैं ये 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है गाड़ी। बिल्कुल, तो क्या ये बात सच है? 24 किलोमीटर आपको ये अगर आप हाईवे पे सफर करते हो वहां ही आसानी से दे देगी 24 किलोमीटर पर लीटर, इतनी दे देती है। ठीक है, बिल्कुल। और अगर सिटी की बात सिटी करें लोकल की, 19-20 के राउंड कहीं नहीं जाती इसकी एवरेज, फिर भी 20 की माइलेज दे देती है अगर आप गाड़ी को ठीक से मेंटेन, इसकी सर्विस वगैरह प्रॉपर 3-4 महीने में, ठीक और है, और इसकी सफाई का और वैसे ध्यान रखते हो, हर बात का मेंटेन करके रखते हो, 19-20 की एवरेज इसकी कहीं नहीं जाती। अच्छा जी, मतलब एक तरह का बाइक का खर्चा है। हाँ, अगर बंदा बुलेट सुलेट ले ले या अच्छी कोई 1.5-2 लाख की बाइक भी ले ले, वो भी 30-35 की माइलेज हाईवे पे दे देती है, लोकल में 20-22 की माइलेज ही वो बाइक्स देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप तो बाइक के मजे गाड़ी में ले रहे हैं। हाँ, बाइक के मजे गाड़ी में ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आपने कहा भी सर्विस वगैरह टाइम पे हो, आप कितने किलोमीटर चला चुके हो? ये चल चुकी है कोई 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। 35,000 का एक्सपीरियंस काफी लंबा होता है जी, कोई छोटी बात नहीं होती 35,000। तो 35,000 किलोमीटर में सर्विस की बात करें, कहते हैं कि मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी गाड़ी ली जाती है और मेंटेनेंस काफी सस्ती होती है, तो क्या ये बात सच है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पारस जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो मतलब अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, कॉस्टिंग आप ये लगा लो अराउंड कोई ज्यादा नहीं है, 2.5-3 हज़ार रुपए में आपकी बढ़िया वो सर्विस अगर आप शोरूम से कंपनी से कराते हो वो करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। बस 3,000 रुपए में गाड़ी की, 2.5-3 हज़ार में आपकी सर्विस हो जाएगी अच्छी गाड़ी की। ठीक है, मतलब कहने का मतलब और रीसेल वैल्यू भी इस गाड़ी की फ्यूचर में अच्छी मिलने वाली है। रीसेल वैल्यू भी मारुति की सभी गाड़ियों की वैसे आप देखो तो मार्केट में ठीक लग जाती है ऐसी। ठीक है, लेकिन एक मेरा सवाल है जी, आप थोड़ा इधर आइए मेरे साथ। जैसे इस गाड़ी में इन्होंने जो 14 इंच के टायर दिए हैं जी जी, ठीक है, और इसकी हायर ग्राउंड क्लियरेंस दी है जो कि काफी अच्छी बात है। अभी हाई ग्राउंड क्लियरेंस से गड्ढे वड्ढे सड़कों वड़कों पे दिक्कत नहीं आती और इंडियन सड़कें ही ऑफ रोड हुई पड़ी है, इतने गड्ढे और इतना बवाल बिल्कुल, है बिल्कुल, हर ये गाड़ी तो लगती नहीं। तो उसकी वजह से और इसका बॉक्सी डिजाइन है, कहीं गाड़ी में
बॉडी रोल तो नहीं क्रिएट हो गया? बॉडी रोल आप समझते हैं ना कि झोलती हो गाड़ी हाई स्पीड पे हाईवे पे। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। जब आप 90 प्लस या 100 प्लस जाओगे ना एस्प्रेसो में, फिर ये जो टायर्स में मामूली सी हल्की सी बबलिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक तो टायर्स में बबलिंग हो गई और कहीं ना कहीं पूरी इसका बैलेंसिंग, जो व्हील्स का बैलेंसिंग रहेगी ना, वो थोड़ा सा जिग-जैग मंगाने लग जाएगा अबव 100। ठीक है, कहने का मतलब गाड़ी में बॉडी रोल आ जाता है। आ जाता है, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कॉन्फिडेंस नीचे भी चला जाता है, इसलिए हमें ये 100 से 90 तक रखनी पड़ती है, इससे ऊपर नहीं हम चला सकते। ठीक है, इससे ऊपर चलाना वैसे भी रिस्क है। वैसे भी रिस्क, अरे स्पीड लिमिट इतनी हो गई है आजकल, चालान कट के 90 आ जाते हैं। स्पीड लिमिट वैसे भी आपकी 90 है। हाँ, और भाई ज्यादा चलाओगे एक्सप्रेसवे तो ले जाने वाली गाड़ियां ये है नहीं, है नहीं वैसे। ठीक है, अपनी जान को जोखिम में डालने वाली बात, बिल्कुल ठीक। उधर दूसरी ओर अगर ब्रेकिंग को लेकर बात करें, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ब्रेकिंग को लेकर अब सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एबीएस, सीवीडी, एसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल हर गाड़ी में मिलने लग गए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस हैं। तो ब्रेकिंग की रियल लाइफ परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंट है या बस मारुति वाली ब्रेक है? मेरे कहने का मतलब मारुति की ब्रेक से थोड़ा उम्मीदें कम होती है पब्लिक को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें इस गाड़ी में। ठीक है, बिल्कुल, मतलब आप ये मान सकते हो 35,000 किलोमीटर चल गई है, ब्रेक से आजकल आज तक कोई शिकायत नहीं लगी। ठीक है, ब्रेक से सर को अभी तक ब्रेक शू वगैरह आपने चेंज कराए? करवाए नहीं अभी तक एक बार। ठीक है, मतलब 35-40,000 गाड़ी चल गई है भाई, डले हुए हैं वो ही चल रहे हैं आज तक। और इसके अलावा 40,000 किलोमीटर पे कोई मोटा खर्चा करवाया, कोई सस्पेंशन का काम करवाना पड़ गया हो? कभी भी नहीं, नेवर। मतलब अभी तक कोई ऐसा मोटा खर्चा गाड़ी ने अभी मांगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात का मैं दावा करता हूँ, जब 40,000 किलोमीटर मारुति गाड़ी चल जाए ना, उसके अंदर चचर मचर की, टैथरिंग रेटलिंग की बहुत नॉइस आती है, गाड़ी खिंड सी जाती वो है। वो जो इसका इनर पोर्शन है ना, हाँ जी, अंदर से इंटीरियर से, वो कहीं जगह से एक दो जगह से आवाज साउंड आती है। ठीक है, मतलब गाड़ी के अंदर चचर मचर की आवाजें आने लग जाती है, बारीक बारीक आवाजें आती हैं, पर वो आप जज भी नहीं कर सकते वो कहाँ की आ रही है, क्या है, किसकी, क्या बज रहा है, ठीक भी नहीं करवा सकते। ठीक तो तब होगी ना, तब वो पता लगेगा क्या क्या है वो, क्या नहीं। हम चलाते हैं रोज, पर उनको डेली सुनते हैं, ये नहीं पता लग रहा वो क्या बज रहा है क्या नहीं, और उनके बस की भी नहीं है सॉर्ट आउट करना। एक्चुअली क्या है कि ये जो प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी काफी लो कर दी जाती है मारुति में, हमारी कॉस्ट कटिंग के लिए। जी जी जी, उसकी वजह से वो बजने लग जाती है एक टाइम के बाद। देखो प्रशांत जी, मारुति की सेफ्टी बहुत ही कम है। ठीक है, तो 6.5 लाख रुपए आपने लगाया और आपको पता था कि सेफ्टी के नाम पे मेरे को कचरा मिलने वाला है, तो सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा सोचा नहीं भाई? कोई और गाड़ी ले लेता, टाटा पंच वंच ले लेता, टियागो ले लेता। पारस जी, हमने मेनली बात क्या थी, हमने लोकल को माइंड में रखे कि हमने लोकली यूज करनी है और डेली यूज के लिए लेनी थी हमने, तो सिटी के अंदर, सिटी के लिए। ठीक है, बाहर के लिए तो हाईवे के लिए हमने दूसरी बड़ी गाड़ी रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमें डेली आना पड़ता है अपने काम पे, अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ के लिए हमें लोकल यूज के लिए चाहिए। हाँ भाई, इजी टू मेंटेन हो, लो माइलेज हो। ठीक है, ठीक है, मतलब घर के बड़े बूढ़े और सारे चला सके, सभी चला लें, लेडीज चला लें, बच्चे चला लें, सभी चला सके। भाई आपको ना परेशान करे वहाँ प्रशांत जी, एक बार मार्केट आना, वहाँ चलना है, आना वहाँ चलना है, गाड़ी लो और जाओ बस। कुछ इस पर्पस के लिए भी कि इजीली मतलब सभी इसको ड्राइव कर सके। ठीक, नहीं मैं देख पा रहा हूँ ये गाड़ी बड़ी ज्यादा इजी टू ड्राइव है, बोनेट बिल्कुल विजिबल है। हाँ जी, गाड़ी में इतना कुछ है ही नहीं जो चलाना मुश्किल हो, हल्का सा गियर अटकाया बस और चलते चले, फिर भी गाड़ी से कुछ मलाल, कुछ दिक्कतें हैं। मैं बताता हूँ, मेन जो मुझे एक लगा ना इसमें इंटीरियर्स में, जो इसकी पावर विंडो है वो भी इन्होंने फ्रंट पे दे दी है, स्टीयरिंग के साथ भी देते हैं ये, यहाँ पे इन्होंने पावर विंडोज दे दी हैं। देखिए, आप देखिए, देखो ये म्यूजिक सिस्टम के नीचे, हाँ, जिसकी वजह से पावर विंडो यहाँ सामने ही दे दी है। ठीक, इन्हें देनी चाहिए थी, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये राइट साइड में खिड़की के पास देनी चाहिए थी, अंदर की तरफ वो इन्होंने वहीं वहीं दे दिया स्टीयरिंग के आसपास, तो वहां से कई बार कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अभी गाड़ी का टॉप वेरिएंट दे रखा है फिर भी, और टॉप वेरिएंट में जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह दिया है वो काम चला हुआ है या टाइम पास कर देता है? म्यूजिक सिस्टम ठीक है, मतलब इसका ना ज्यादा हाई है ना लो है, आपका टाइम पास बढ़िया कर देगा, टाइम पास कर देता है, मतलब ठीक है, अच्छा है। और अगर बात करें इसके हेडलाइट के थ्रो की, इसमें हेलोजन बल्ब आते हैं सिंपल। हाँ जी, हाँ जी, ये कैसा थ्रो देते हैं? देखो लोकल के लिए तो मैं फिर वही मैं लोकल वाला पॉइंट उठाऊंगा, लोकल के लिए तो ये बेस्ट है, इतनी लाइट सफिशियंट आपके लिए, बाहर मतलब आपको कम रहेगी ये हाईवे वगैरह पे, मतलब हाईवे पे कहीं ना कहीं भाई अंधेरा कायम रहे। हाँ, हाईवे पे आपको कम लगेगी क्योंकि वहाँ मतलब बड़ी गाड़ियां चलती हैं हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, तो वहां पर मतलब उनके सामने कम रहेगी फिर लाइट। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे ये गाड़ी ना थोड़ी भीड़ी है मुझे जो लग रहा है,
तो इसे हम 4 सीटर कहें, 5 सीटर कहें, पीछे 3 आदमी ढंग से बैठ जाते हैं इजीली। तीन आदमी मेरे जैसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरे जैसे no doubt, आपके जैसे तीन आसानी, आपसे भी मतलब हैवी आ जाएंगे। अच्छा कहने का मतलब 5 सीटर है ये कार इजीली, और काफी अच्छा बूट स्पेस आपको गाड़ी में मिल जाता है, ठीक है। और मैं आपको चाबी दिखा दूं, जैसे मारुति की और गाड़ियों की चाबी है, बिल्कुल इस वेरिएंट में भी ये वाली चाबी मिल जाती है। कंपनी फिटिटी सेंटर लॉक अनलॉक सब कुछ मिल जाता है, और कहने का मतलब जरूरत बिल्कुल पूरी करती है ये आदमी की। हाँ ठीक है, हर तरह की जरूरत ये पूरी करती है, लेकिन शौक नहीं पूरी करती कह सकता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि शौक रह जाते हैं लेकिन जरूरत पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है, शौक रह जाते हैं आपके। प्रशांत जी मुझे ना मोटी मोटी 3-4 बातें और जाननी है, उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे। 3-4 बातों में पहली बात है गाड़ी का एसी। अपना पानीपत में अच्छी खासी गर्मी होती है जी, 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एसी साथ भी देता है या रुला देता है? नहीं नहीं नहीं, एसी साथ देता है आपका, मतलब आप ये कह सकते हो एसी आपको मतलब गर्मी नहीं लगने देगा, ना तो बहुत ज्यादा हाई। हाँ। और ये भी नहीं है बिल्कुल इन्होंने घटिया लगा रखा है मारुति ने, कंपनी ने, बिल्कुल ठीक एसी है, जितना होना चाहिए वो इसमें है। हाँ भी कैबिन भी तो छोटा ही है। हाँ, कैबिन छोटा है, उस हिसाब से गाड़ी छोटी है, गाड़ी के हिसाब से इसका बेस्ट है एसी। और ये अगर बात करें इसके स्टेयरिंग की, मैं ये गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि जो आज रास्ता है हमारे पास वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, कैमरा स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए इस गाड़ी का आपको अब ड्राइव रिव्यू नहीं दे रहा। जब साक्षात इस गाड़ी को 35,000 किलोमीटर चलाने वाले हमारे साथ मौजूद है तो उनसे रिव्यू लेने में आज मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। बात करें अगर स्टेयरिंग परफॉर्मेंस की, स्टेयरिंग कैसा है गाड़ी का? स्टेयरिंग मुझे इस गाड़ी का अगर कोई पार्ट पसंद है सबसे ज्यादा वो स्टेयरिंग पसंद है। इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जबरदस्त है इसकी। अच्छा। हाँ, एस्प्रेसो का स्टेयरिंग, हल्के से इशारे से मतलब भागता है स्टेयरिंग, ठीक है। और पानीपत जैसे शहर में जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ ऐसा स्टेयरिंग बहुत जरूरी है होना गाड़ी में, ठीक। मक्खन है, मक्खन की तरह है, आप ये लगा लो ऐसे मतलब हाथ लगाते फिसलता है, ठीक। मतलब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं स्टीयरिंग से? बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी की और क्या आपको बेस्ट बात लगती है? बस ये है, बस चलने में, चलाने में हल्की फुल्की लगती है, कोई बर्डन नहीं, पता ही लगता गाड़ी, अगर आप रोड पे जा रहे हो पता ही लगता गाड़ी चल रही है, ठीक। ना बैठने वालों को पता लगता है जो साथ में बैठते हैं, ठीक है। और 5 लोग आराम से इजीली हटे खट्टे मोटे कैसे भी हो वो आराम से बैठ सकते हैं, मतलब 5 सीटें कहीं नहीं गई इसमें, ठीक है, ठीक। तो इतनी सारी गाड़ी की बुराई और अच्छाई करने के बाद अब एक फाइनल बात कर लेते हैं कि प्रशांत जी इस गाड़ी को लेकर खुश हैं दुखी, हमें क्या सलाह दोगे, व्यूवर्स को क्या सलाह दोगे कि कौन ले कौन ना ले और क्यों ले? देखिए ऐसे है जी, अगर आपको लोकल यूज के लिए चाहिए ना वैसे तो गाड़ी बेस्ट है, ठीक है। बाकी हाईवे फ्रेंडली है बिल्कुल नहीं मैं कह सकता, ठीक है। ये अभी काम चला देती हाईवे पे, हाँ। पर ये नहीं है भाई, बस कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता और बड़ी गाड़ी वाली बात नहीं आती इसमें। मैं भी प्रशांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप एक सिटी फ्रेंडली कार चाहते हैं जो आपके घर का हर इंसान चला सके, हर एज ग्रुप का और हर जेंडर का, तो वो ये गाड़ी जरूर खरीदे, अपने सिटी एक्सपीरियंसेस को और अच्छा बनाए। हाईवे की चाहत है तो कोई और गाड़ी ले सकते हैं, इसको लेना है तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, अदरवाइज मारुति एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है। तो ये गाड़ी से प्रशांत जी खुश हैं और मुझे भी इसका रिव्यू करके अच्छा लगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू शेयर करना, शूट करना हमारे साथ, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि हमारे चैनल के अबाउट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम मिलकर शूट करेंगे और एक अच्छा कंटेंट ऑडियंस को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।